मेरे साथ आप लोग पहले भी देखे होंगे या सुने होंगे या फिर खरीदे भी होंगे, लेकिन अब जो आसनसोल में हो चुका है इसके लिए आप लोग मेरे को इस वीडियो देख के जो उसे थैंक बोलने वाले हैं, और वीडियो को लाइक पहले ही कर दो क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, क्योंकि आसनसोल में बजाज ऑटोमोबाइल लेकर आ चुका है बजाज चेतक को अपने पास। और इसे सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, सर्विस एग्जैक्टली। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा सर्विस फिटनेस आने से पहले गाड़ी में क्या क्या है, जो जो बजाज चेतक को नहीं जानते उन लोगों के लिए पहले बताना चाहता हूँ। बजाज चेतक ऐसा गाड़ी है जिसको लेने के बाद आप लोगों का 50% एक्सीडेंट का चांस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोशन सेंसिंग, जैसे गाड़ी जैसे 90 डिग्री पे चलाते गाड़ी, जैसे गाड़ी यहाँ पे आपका टिल्ट होगा ज्यादा तो गाड़ी सेंस करके आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट बंद करेगा ताकि आप लोगों का थ्रॉटल ना घूमे और गाड़ी इधर उधर ना भागे। तो सबसे बेहतरीन चीज है। और उसके साथ साथ ये एक लौता ईवी आता है जिसमें आपको मेटल बॉडी मिलता है, एग्जैक्टली सामने ये था प्योर मेटल बॉडी मिलता है, थोड़ा आवाज सुनना चाहूंगा, प्योर मेटल बॉडी मिलता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी। उसमें से 5 ईयर का वारंटी मिलता है बैटरी में। तो आप लोग हिसाब कर लीजिए, अगर आप लोग 3 यूनिट एक चार्ज में इसका चलता है और उसमें आपका 113 किलोमीटर मिनिमम रेंज देता है, मिनिमम बोला मैं, मैक्सिमम 113 किलोमीटर मिनिमम रेंज, तो आप लोगों को महीने में कितना पैसा बचता है, जाके आप लोग नॉर्मल स्कूटी वगैरह में आप लोगों को कितना पैसा लगना। लेकिन फीचर सब टॉप क्लास है, जैसे अगर फुल्ली फंक्शनल एक ऐप मिल जाए जिसमें आप लोगों को पूरा कनेक्टिविटी मिल जाता है, इस मीटर सामने दिखाना चाहूँगा आपको। ये बजाज चेतक का प्रीमियम मॉडल, और इसमें जैसे आप स्टार्ट कीजिए गाड़ी को, यहाँ पे सॉफ्ट की है इसका स्टार्ट होगा, यहाँ पे 3G मीटर आता है, इसमें आप यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आता है इस मीटर में, और ये आपका इंडिकेटर है जो इंडिकेटर सेंसर से काम करता है, जैसे घूम जाइएगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को पूरा मोड पूरा कंट्रोल करने का एक सिस्टम मिल जाएगा, बटन मिल जाए, यहाँ पे आपको अपर डिपर करने का ऑप्शन है लाइट का, यह आपका हॉर्न है जो मैं नॉर्मली टिकट दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मोड्स वगैरह देखिए ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप लोग, और इसको टॉगल कर सकते हैं यहीं पे। इसके साथ आपके इंडिकेटर, यहाँ पे आपको राइट मोड, यहाँ पे आप लोग बूट्स खोलने का, जैसे आप लोग इसको खोल के देख सकते हैं, यहाँ पे बूट स्पेस है, छोटा सा बूट स्पेस है, ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे आप लोग मोबाइल चार्ज कर सकते हैं ऑन द गो, और यहाँ पे एक सेंस भी कर रहा है कि गाड़ी आपका बूट खुला हुआ है, और जैसे इसको बंद कीजिए उसके बाद इसको अगर आप थोड़ा सा भी प्रेस करके रखते हैं तो यह खुल जाएगा बूट, और देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, यही आप लोगों को चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि आप लोगों को चार्जिंग है बैटरी फिक्स, लेकिन आप लोग कार इसको बंद करके भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली सही। आप लोगों को आप लोगों को स्विच खोल कर चार्ज करने स्विच बंद कर चार्ज कर सकते हैं, जब बूट कर सकते हैं, लाइट मिल जाता है जब आपका हेल्दी होता है, और एक प्रैक्टिकलिटी देता है, और लुक देख लीजिए इसका पूरा एकदम आपका LED पैक के साथ आती है गाड़ी, पूरा आपका बैक लाइट जो LED में इंडिकेटर LED में फुल मेटल बॉडी, यहाँ पे चेतक का ब्रांडिंग आता है, यहाँ नंबर प्लेट का, हालांकि जाता है अच्छा खासा 73 किलोमीटर तक स्पीड जाता है, इसका टॉप स्पीड कम समझ सकते हैं गाड़ी कितना जाता है, स्टडी है और बहुत ज्यादा स्टडी, और बिल्ड बिल्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रीमियम मोड लेंगे तो आप लोगों को डुअल टोन कलर मिलेगा, यहाँ पर फुल LED लाइट के साथ, और यहाँ पर DRL के साथ मिलता है। अब इसके साथ अगर मैं आता हूँ अर्बन मोड में, तो अर्बन मोड आप लोगों को लगभग 1,23,000 के आसपास मिल जाता है एक शोरूम में, तो यहाँ पर आप लोग आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन आपको सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है, जैसे यहाँ पर मीटर जो है बहुत, जैसे मैं देख सकते यहाँ पे मीटर थोड़ा अलग है, ये आपका अर्बन मोड है, जैसे आपको दीजिएगा यहाँ पे ऑन हो जाता है पूरा मीटर, ये पूरा सर्कुलर शेप में आता है, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड आता है, यहाँ पे मोड आता है इंडिकेटर वगैरह आता है, यहाँ पे आप लोग राइट और यहाँ पर आपको बूट खोलने का बंद करेंगे, जो सेम सिस्टम है वही मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइसिंग है और जिस प्राइस में ये आपको मेटल बॉडी ऑफर कर रहा है वो कोई और नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ आसनसोल, अगर आप लोग आसनसोल बजाज ऑटोमोबाइल से ये गाड़ी लेते हैं, आपको सबसे बड़ा सुविधा जो होगा वो है कि आप लोगों को सर्विस भी यहीं पे मिल जाएगा, और सर्विस आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोगों को सर्विस गाड़ी खरीदते कहीं और से और आपको 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, या मान लीजिए आसनसोल गाड़ी खरीदते पहले आपको जाना पड़ता है लगभग 40 किलोमीटर दूर गाड़ी सर्विस करें, आप लोग पता समझ सकते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग बजाज ऑटोमोबाइल से आप गाड़ी खरीदते आज के बाद तो आप लोगों को सर्विस यहीं पे मिलेगा, सर्विस मिलने के साथ आप लोग क्या सुविधा होगा कि आप लोग कहीं और जाने के नहीं है, जहाँ से गाड़ी ले वहीं पे सर्विस कर लीजिए, और ये सब फीचर आप लोगों को मिल सकते हैं यहाँ पे। और अर्बन और इसमें डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए आप अगर प्रीमियम में जाते तो वो डिस्क ब्रेक मिलता है, या फिर कोई ड्रम ब्रेक मिलता है, तो जिस पर जो सुविधा है आप लोग वो दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जो राइड क्वालिटी है वो कहीं और नहीं मिलने वाली है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छा एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, और बाकी फीचर्स एक एक करके अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। गाइस अब सब बोलते बोलते थोड़ा थक गया, उसको सांस तो लेने दे, लेकिन बोलते बोलते एक चीज मैं बोलना भूल गया था, वो है कि यहाँ पे सेगमेंट सेगमेंट फर्स्ट कुछ फीचर मिल जाता है कि हिल होल्ड। अब हिल होल्ड क्या होता है, शायद आप लोग से बहुत लोग पहले सुने हैं, आप लोग पता भी होगा, जो लोग पता है वो लोग लाइक कीजिए, और कौन बताइए कि हिल होल्ड क्या है, वीडियो को पॉज करके। अब आते हैं हिल होल्ड क्या होता है, मान लीजिए आप लोग कहीं ढलान में खड़े हैं और गाड़ी हम लोग पीछे आता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक लॉक जैसा रहता है जो आपको खींचना पड़ता है और लॉक करते हैं, वैसे आपके ये हिल होल्ड फीचर है जहाँ पे आप लोग सेंस करें गाड़ी ऑटोमेटिक वहाँ पे होल्ड कर रही है,
पीछे जाएगा नहीं तो एक्सीडेंट से बचेगा, और अगर आप लोग बच्चे को बैठा के कहीं और गए तो गाड़ियों को फिसलेगा नहीं वहाँ से, सबसे बड़ा ठीक है। लेकिन अब जिन लोग स्मार्टफोन का शौकीन रखते उन लोगों के रिलेटेड एक बात बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे IP67 मिलने वाला है। सुनकर बहुत लोगों को पता है कि IP67 ये फोन में रेटिंग आता है कि ये डस्ट एंड आपको वाटर रेजिस्टेंट वाला फीचर होता है जो आपको जनरल आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे IP67 मिलने से क्या सुविधा होता है, अगर आप लोग अप टू 30 मिनट्स तक गाड़ी को पूरा पानी में डुबा के रखते उसके बाद भी गाड़ी को निकालते गाड़ी नहाते हुए निकले तो निकलेगा जरूर लेकिन आपको शौक नहीं देगा और आपके जेब में कोई भारी नहीं पड़ेगी कि गाड़ी एकदम फुल्ली खींचा जाएगा। यहाँ पे ना तो आपको शौक मिलेगा ना आपको फायर प्रूफ और शॉक प्रूफ गाड़ी है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सा कन्फ्यूजन था कि इलेक्ट्रिक लेंगे कहीं फट ना जाए ज़्यादा हीट से, क्योंकि इतना ज़्यादा स्क्रॉचिंग हीट चल रहा है आसनसोल और ये आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट में, तो आप लोगों को जो डर था कि कहीं गाड़ी ऐसा ना हो कि हीट से गाड़ी का बैटरी ब्लास्ट कर जाए, वो सब कुछ नहीं है क्योंकि फायर प्रूफ भी उसमें शॉक प्रूफ भी है। तो आप लोग पानी और बरसात हर एक मौसम में आप लोग गाड़ी को ले सकते हो, हार्डी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग बहुत अच्छे राइडर और अगर आप लोग कैपेबल हैं अपने अंदर एज ए राइडर कैपेबिलिटी है आप लोग इसको ऑफ रोड ले जा सकते हैं, आप लोग चाहते इसको ऑफ रोड भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि आप लोग ऑफ रोडिंग भी दिला सकते हैं। भाई आखिरकार बजाज ने बनाया है चेतक और बजाज पल्सर के लिए फेमस है भाई, तो समझ सकते हैं आप लोग बजाज के कारीगरी कितना अच्छा हो सकता है। तो ये आप लोगों का कुछ टॉप फीचर्स था जो इस गाड़ी को आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं प्लीज़ उसे फॉलो कर लीजिएगा, एक छोटा सा लाइक दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहूँ। और कमेंट कर लीजिएगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो चाहिए या आपको कौन सा ज़्यादा फीचर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट लगा बजाज चेतक में। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए अभी जो आपका कंडीशन है चाहे जितना चाहे हम लोग लेक्चर लिख लें इतना चाहे हम लोग पोस्ट कर लें कि ग्लोबल वार्मिंग से ये हो रहा है, पॉल्यूशन हम लोग कम करना होगा भाई, और पॉल्यूशन कम करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद ना खुद एक स्टेप आगे लेना होगा। तो अगर आपके पास मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई पेट्रोल बाइक है घर में या पेट्रोल स्कूटी है एक आप लोग अपग्रेड कीजिए ईवी में, लेकिन मैं आप लोगों को खराब ईवी में अपग्रेड करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बहुत पेट्रोल में आप लोग चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि चेतक बहुत अच्छा ब्रांड है और एक बजाज के साइड से आता है, बजाज चेतक इंडियन ब्रांड सब है, आप लोग ले सकते हैं इसको। और लेने के बाद आप लोग को फायदा होगा कि आप लोग कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग अपने मदर नेचर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर चाहिए, और अगर आप लोगों को ये ईवी लेना है या बजाज के कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप लोग बजाज ऑटो मोबाइल जरूर से चेकआउट कीजिए, आसनसोल बेल्ट काफी जाते तो आइए गाड़ी बुक कीजिए, अपना टेस्ट राइड लीजिए, और अगर गाड़ी पसंद आए तो प्यारा दुलारा गाड़ी को तो जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूँगा, टिल द राइट से स्टे सेफ, आई एम विद बजाज ऑटो मोबाइल साइनिंग आउट, प्लीज बाय बाय, टेक केयर।